बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ माननीय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री नागरिक विमानन को कि वे आए और अपने ओजस्वी विचारों से हमें अवगत कराएं। आज इंदौर के मां अहिल्या की नगरी में उपस्थित हमारे राष्ट्र के भूतल परिवहन मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर आसीन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वर्चुअली जुड़े हुए नरेंद्र सिंह तोमर जी, वीरेंद्र जी, भगत सिंह कुलस्ते जी, प्रताप पटेल जी, मेरी अपनी इंदौर की, समूचे मध्य प्रदेश की और समूचे राष्ट्र की सम्माननीय ताई, मंच पर आसीन आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, शंकर ललवानी जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी, साथ में उपस्थित प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जल सिंचाई मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, मंत्रिमंडल के समस्त राज्य मंत्री, हमारे इंदौर क्षेत्र के समस्त विधायकगण, आदरणीय सकलेचा जी और इंदौर शहर के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, और समूचे इस कार्यक्रम में उपस्थित इंदौर और मालवा के समस्त मेरे जनता जनार्दन, आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन केवल इंदौर के लिए नहीं लेकिन समूचे मध्य प्रदेश के, और ये ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि विकास और विश्वास ये नीति केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति है, और ये विचारधारा विकास की विश्वास की भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग सदैव रहा है। आज किसी भी शहर में, किसी भी देश में अगर हम आर्थिक और सामाजिक विकास चाहते हैं तो वो अधोसंरचना के आधार पर ही निर्भर हो सकता है, और चाहे हम रेल की बात करें, हम चाहे रोड की बात करें, चाहे हाईवे की बात करें, चाहे विमान सेवा की बात करें, यही पहिए हैं हर शहर के, हर देश जो आर्थिक गतिविधि बढ़ाती है, सामाजिक गतिविधि बढ़ाती है, और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के दिल के भावना के साथ जोड़ने का काम करती है। अटल बिहारी वाजपेयी
नितिन गडकरी जी की कोई क्षमता है तो असंभव कार्य को संभव कराना है तो नितिन गडकरी जी के पास हमें पड़ता है। ये क्षमता के आधार पर इस महा एक्सप्रेसवे का करीब 245 किलोमीटर का कॉरिडोर हमारे मध्य प्रदेश से निकल रहा है और आज जो परियोजना के आधार पर नितिन गडकरी जी जब इंदौर आए हैं तो जो कहा जाता है ना कि छप्पड़ फाड़ के लेते हैं, 1355 किलोमीटर की सड़कें, 9577 करोड़ रुपए की योजना, 34 सड़कें एक साथ दे रहे हैं। मैं अपने दिल के गहराइयों से उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं समूचे मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आज एक तरफ जहां चंबल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे, उन्होंने मध्य प्रदेश के उत्तर कोने को दिया 5000 करोड़ की परियोजना और गडकरी साहब की सोच विचारधारा है केवल सड़क नहीं, मुझसे कई बार इन्होंने चर्चा की कि सिंधिया जी बने हम लोग सड़क तो बना रहे हैं लेकिन सड़क के साथ साथ औद्योगों को भी हमें वहां स्थापित करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी हमने और नितिन गडकरी जी ने कई बार इस पर चर्चा की कि इस कनेक्टिविटी को, अटल एक्सप्रेसवे को, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के इटावा से हम लोग जोड़ेंगे कोटा तक, राजस्थान तक, इसके इर्द गिर्द हमें औद्योगिकरण भी करना है और औद्योगों को स्थापित करना है। जहां एक तरफ ये परियोजना वही मध्य प्रदेश के एक एक कोने के लिए, चाहे झाबुआ से लेकर रीवा तक और ग्वालियर से लेते हुए खंडवा तक, सारे मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, एक एक जिले के लिए आज नितिन गडकरी जी ने कुछ न कुछ योजना हम लोगों को दी। हमारी सोच और विचारधारा कि जो नितिन गडकरी जी ने, शिवराज सिंह जी ने, हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि आखिरी आदमी तक हम लोग विकास की यह पहचान हम लोग ले जाए और आज मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं नितिन गडकरी जी को कि ग्वालियर और झांसी का भी जो ज्वलंत मांग थी 42 किलोमीटर की सड़क की 1000 करोड़ रुपए की योजना और जो सड़क मैंने स्वीकृत करवाई ग्वालियर से शिवपुरी होते हुए, गुना होते हुए देवास तक 400 किलोमीटर की जो हाईवे बॉम्बे आगरा हाईवे, उसका उन्नीकरण 3500 करोड़ की, उसका एक अंक जो शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क की वजह से वंचित रह गया था, आज उसे भी उन्होंने 177 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करवाई है 6 किलोमीटर की। तो प्रदेश के एक एक अंक के लिए उन्होंने ये योजना दी है। तहे दिल से प्रदेशवासियों की तरफ से भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं और ऐसे ही मध्य प्रदेश के साथ आप